Hey, welcome to Chemistry Doshan. In this video, you will learn about pericyclic reaction. Pericyclic reaction consorted reaction होती है. Consorted means जो reaction में bond making और जो bond breaking process होता है वो single step में होता है. रिएक्शन में कोई आयनिक या रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है और रिएक्शन हमेशा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड करती है. इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है एक साइक्लिक मैनर में, इसी वजह से इसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन पर किसी भी तरीके के कैटलिस्ट या फिर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है. रिएक्शन हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है. पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को हम दो तरीके से इनिशिएट करते हैं, या तो हम हीट प्रोवाइड करके इनिशिएट करते हैं थर्मल इनिशिएशन, या फिर हम लाइट प्रोवाइड करके इनिशिएट करते हैं फोटोकेमिकल इनिशिएशन. क्योंकि ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, अगर हमें थर्मल कंडीशन में किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज का ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा तो सेम रिएक्टिंग स्पीसीज फोटोकेमिकल कंडीशन में सिस प्रोडक्ट देगी एंड वाइस वर्सा. There are some examples of pericyclic. यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं तो हम हमेशा एक ही डायरेक्शन में उसे मूव कर रहे होते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होंगे सबको ही क्लॉकवाइज मैनर में मूव करेंगे, या अगर हम एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहे होंगे तो सबको एंटी क्लॉकवाइज ही शिफ्ट करते हैं. पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को फोर टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन. पेरीसाइक्लिक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे जो बार बार यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बार बार इन्वॉल्व होता है. जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के टाइम पे नोड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, होमो क्या होता है, लोमो क्या होता है, एलिमेंट सिमेट्री. पहले हम इन बेसिक्स को समझेंगे एंड देन हम अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है. यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. जो ऑर्बिटल्स के कलर लोब्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका वेव साइन सेम है. अगर कलर वाले लोब्स प्लस हैं तो दूसरे ऑर्बिटल का भी कलर लोब प्लस है, बाकी माइनस माइनस. जब भी कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनके पास पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है. यही पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. जब ये आउट ऑफ फेज इंटरेक्ट करते हैं, आउट ऑफ फेज मतलब जब अपोजिट साइन वाले इंटरेक्ट करते हैं, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन भी कहते हैं, जब आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. जो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये एटम को एक दूसरे से दूर पुश करते हैं. यहाँ पे बीच में नोड क्रिएट होता है. नोड वो प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है. जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फेज इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियर के बीच में होती है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा एटम को होल्ड करके रखते हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है, और लो एनर्जी होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है और ये लेस स्टेबल होते हैं. अब यहाँ पे टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल लिया है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. सो जितने भी नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इंटरेक्शन के बाद, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन से हमें दो पी ऑर्बिटल मिलेंगे. जब ये ऑर्बिटल सेम फेज में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई वन. जब ये आउट ऑफ फेज इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, साई टू स्टार. यहाँ पे टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो टू इलेक्ट्रॉन हैं ये सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होंगे, ये साई वन में फिल होंगे. ये थर्मल कंडीशन है,
जैसे ही हम इसे लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर साइड टू में चला जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरी होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस थ्योरी से दो कॉन्सेप्ट आते हैं, होमो एंड लूमो का। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे जो 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 7 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो होगा। क्योंकि जो साइड टू ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एम्प्टी है, अनऑक्यूपाइड है, तो उसे हम लूमो बोलेंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन में साइड टू जो होगा वो हमारा होमो होगा, क्योंकि यही हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और ये जो होमो है ये सोमो भी होगा, सोमो सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो हमेशा होमो का हाफ फिल्ड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो वो 1,3-butadiene का है। यहाँ पे 4 पी ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जो उनका हाफ होता है वो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो जो साई 1 साई 2 है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, साई 3 साई 4 एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। फर्दर अब हमें यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि ये जो 4 पी ऑर्बिटल्स हैं ये सेम फेज इंटरेक्शन हो रहा है या आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन हो रहा है। जब इनका सेम फेज इंटरेक्शन होगा तो बीच में कोई नोड नहीं प्रेजेंट होता है। जब ऑर्बिटल्स आउट ऑफ फेज इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे नोड क्रिएट होता है। तो अब ये नोड कैसे निकालेंगे और ये कितने नोड क्रिएट होंगे, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है। जो भी साई की वैल्यू होगी, जैसे साई 1 हुआ तो उसमें वहाँ पे हम एन माइनस 1 करते हैं, जैसे साई 1 में 1-1 करेंगे तो 0। तो जब 0 होगा तो मतलब यहाँ पे सारे इन फेज ओवरलैप करेंगे। साई 2 में नोड डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे एन माइनस 1 करेंगे, साई 2 2-1, तो अगेन यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे एक नोड होगा। जब भी साई की वैल्यू इवन होती है तो वहाँ पे एक नोड हमेशा सेंटर में ज़रूर आता है। तो यहाँ पे साई 2 में एक नोड है तो वह सेंटर में आएगा। साई 3 में 3-1 करेंगे तो यहाँ पे 2 नोड आएंगे, क्योंकि साई 3 ऑड है, ऑड में कभी भी सेंटर पे नोड नहीं आता है। और जिनके बीच में नोड आएगा उन्हें हम अपोजिट फेज में दिखाएंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, और जिनके बीच में नोड नहीं होगा हम उन्हें सेम फेज में रखेंगे, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। साई 4 में 4-1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 नोड आएंगे, क्योंकि साई 4 इवन है तो यहाँ पे एक नोड सेंटर में ज़रूर आएगा। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड हैं तो सारे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे ही अपोजिट साइन में होंगे, सारे आउट ऑफ फेज इंटरेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले जब हम इन्हें फिल करेंगे तो साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और फोटोकेमिकल कंडीशन में ये साई 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके साई 3 में चला जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे होमो और लूमो डिसाइड करेंगे। थर्मल कंडीशन में जो साई 2 होगा वही हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, हाईएस्ट फिल्ड ऑर्बिटल है, तो हम उसे होमो बोलेंगे। उसके ऊपर जो साई 3 है वो अनऑक्यूपाइड एम्प्टी है, तो वो लूमो होगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में साई 2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर साई 3 में चला जाएगा, इसके बाद साई 3 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा, और जो साई 4 होगा वो एम्प्टी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा, तो वो लूमो होगा। थर्मल कंडीशन में जो होमो होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में वो हमेशा लूमो हो जाता है। सो ये स्मॉल पॉलीइन सिस्टम था, तो इसमें हमने होमो लूमो आसानी से निकाल लिया। लेकिन जब हम लार्ज कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर बार हम ऑर्बिटल ड्रॉ करें और होमो लूमो निकालें, तो वहाँ पे हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1,3-butadiene के केस में अगर होमो थर्मल कंडीशन में निकालना होगा तो एन बाई 2 करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हैं तो 4/2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो थर्मल कंडीशन में होमो साई 2 होगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो निकालना होगा तो एन बाई 2+1, तो 1,3-butadiene के केस में 4/2+1 करेंगे तो 3 आएगा, तो इस केस में जो हमारा होमो होगा वो साई 3 होगा। सिमिलर हम लूमो भी निकाल लेंगे। सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे हेक्साट्राइन सिस्टम में। सबसे पहले नोड निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल को
सेम साइन में या अपोजिट साइन में अरेंज करेंगे। जब इवन साई की वैल्यू होगी तो एक नोड हमेशा सेंटर पर आएगा, जब ऑड साई की वैल्यू होगी तो सेंटर पे कभी नोड नहीं आता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हम फोटोकेमिकल कंडीशन में और थर्मल कंडीशन में फिल करेंगे। थर्मल कंडीशन में होमोसाई3 होगा, लूमोसाई4 होगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में साई4 होमो हो जाएगा और साई5 हमारा लूमो होगा। होमो लूमो के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस रिएक्शन में, वो होता है सिमेट्री डिसाइड करना। यहाँ पे हम दो सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं, मिरर सिमेट्री एंड C2 सिमेट्री। फर्स्ट मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में मिरर प्लेन पास करते हैं एटम के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन पास मिरर प्लेन पास करने के बाद जब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं तो हम उसे मिरर सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे फर्स्ट में जो ऑर्बिटल के दो लोब्स हैं वो सेम फेस में हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन पे जब मिरर प्लेन डालेंगे तो मिरर प्लेन डालने के बाद ये बाइसेक्ट होने के बाद ये अभी भी सेम ही है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये मिरर सिमेट्रिक हो गया। सेकेंड में जो दो लोब्स हैं वो दोनों लोब अपोजिट साइन के हैं, तो जब इन पे हम मिरर प्लेन पास करते हैं तो बाइसेक्ट होने के बाद एक साइड प्लस माइनस है, एक साइड माइनस प्लस है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम इसे मिरर एसिमेट्रिक या मिरर एंटीसिमेट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट C2 टू फोल्ड एक्सिस सिमेट्री है। जब भी हम C2 सिमेट्री पास करते हैं तो हमेशा हम एटम के प्लेन के पैरेलल पास करते हैं। जब हम मिरर प्लेन पास करते थे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर पास करते हैं, लेकिन C2 हमेशा पैरेलल पास करते हैं और सेंटर से पास करते हैं। तो जब C2 सिमेट्री पास करते हैं जब वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर देता है। 180 डिग्री रोटेशन के बाद अगर हमारा मॉलिक्यूल या जो हमारा ऑर्बिटल है अगर वो आइडेंटिकल होंगे तो वो C2 सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल्स हैं जब हम इसमें C2 प्लेन पास करेंगे तो पास होने के बाद ये 180 डिग्री रोटेट करेगा, तो जो ये येलो वाले लोब हैं, येलो वाला लोब है वो ऑरेंज वाले लोब की जगह आ जाएगा, और जो ऑरेंज वाला लोब है वो येलो वाले लोब की जगह चला जाएगा, मतलब इंटरचेंज होगा। सिमिलर ग्रीन और रेड में भी होगा। रोटेशन के बाद जो हमें ऑर्बिटल मिलेगा उसमें रोटेशन से पहले प्लस प्लस वाले ऊपर थे, माइनस माइनस वाले नीचे थे। रोटेशन के बाद माइनस माइनस ऊपर आ गया और प्लस प्लस वाले नीचे आ गए। ये पहले वाले से चेंज है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये C2 एसिमेट्रिक होगा। सेकेंड में जो प्लस और माइनस है वो ऊपर है और माइनस प्लस नीचे है। जब हम इन्हें 180 डिग्री रोटेट करेंगे प्लेन पास करने के बाद, 180 डिग्री रोटेशन के बाद अभी भी ऊपर प्लस और माइनस है, नीचे माइनस प्लस है, इनका जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम C2 सिमेट्रिक कहेंगे। सो यहाँ पे इथाइलिन के केस में जो साइवन है, साइवन में दो सेम साइन वाले ऊपर हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस मान लीजिए, जब हम इस पर मिरर प्लेन पास करेंगे तो ये मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, तो इसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे। एस यहाँ पे मिरर सिमेट्रिक को डिनोट कर रहा है। साई2 के केस में क्योंकि अपोजिट साइन में है तो ये मिरर एसिमेट्रिक होंगे। इन्हीं ऑर्बिटल्स पे जब हम C2 प्लेन पास करेंगे तो C2 प्लेन पास करने के बाद जो रोटेशन होगा उसके बाद ये C2 एसिमेट्रिक होंगे और साई2 वाले C2 सिमेट्रिक होंगे। सो यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है निकालने का कि जब साई की वैल्यू ऑड होती है तो हमेशा मिरर सिमेट्रिक होते हैं, साई की वैल्यू जब इवन होगी तो हमेशा C2 सिमेट्रिक होंगे। इसके लिए हमेशा टर्मिनल ऑर्बिटल्स को देखते हैं। अगर टर्मिनल ऑर्बिटल्स मिरर सिमेट्रिक है तो बीच वाले ऑर्बिटल्स भी हमेशा मिरर सिमेट्रिक होंगे। अगर टर्मिनल C2 सिमेट्रिक है तो बीच वाले भी C2 सिमेट्रिक होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी साई1 है, साई1 ऑड है तो ऑड होने की वजह से ये हमेशा मिरर सिमेट्रिक होंगे। साई2 इवन है तो ये हमेशा मिरर एसिमेट्रिक होगा, और सिमिलर ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में भी होगा। और C2 के केस में जो इवन होंगे वो हमेशा C2 सिमेट्रिक होंगे, तो साई1 C2 एसिमेट्रिक होगा, साई2 C2 सिमेट्रिक होगा, और ऐसे ही हम 1,3-ब्यूटाडाइन में भी निकालेंगे।